हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कल रात में क्लास नहीं हो पाई थी और कुछ थोड़ा सा समस्या था लाइन को लेकर के, ठीक है, तो उसको लेकर के क्लास नहीं हो पाया है ना, लाइन चली गई थी। और अभी फ़िलहाल यहाँ दोस्तों अभी हम नहीं लगाए हैं इन्वर्टर, तो इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो गया। इसी वजह से आज हम मॉर्निंग में क्लास ले रहे हैं आप सभी की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज इसके पहले देखिए, आप लोग को DLED में 5 यूनिट तक आपको करवा दिया गया था, उसका PDF भी आप लोग को दे दिया गया है, उसका वीडियो भी आप लोग को ग्रुप में भेज दिया गया है। और आज होगा यूनिट नंबर 6, ठीक है। यूनिट नंबर 6 में इसका पार्ट 1 है और लगभग 1 घंटे की क्लास आपकी चलेगी। तो इसमें जितना होगा और 2-3 वीडियो में आपका ये प्रधान शिक्षक जो DLED यूनिट नंबर 6 है ये कंप्लीट करवा दिया जाएगा। इसमें हम थ्योरी देखेंगे, थ्योरी के साथ साथ इसका क्वेश्चन आंसर भी हम देखेंगे, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका ये यूनिट नंबर 6 है, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये नोट्स है, नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा सब्जेक्टिव, और इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव भी करवा दिया जाएगा। और जब ये पूरा यूनिट समाप्त हो जाएगा उसके बाद इसका टेस्ट वगैरह भी आप लोग को करवाया जाएगा। अभी देखिए, प्रधान शिक्षक की जो पुराने बैच है, पुराने बैच का कोई चार्ज अभी नहीं है, है ना। पुराने बैच में आपको एक बार चार्ज लग गया है तो उसमें आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। नया बैच आपकी शुरू होने जा रही है प्रधान शिक्षक की 1 अप्रैल से आपका, ठीक है। तो 1 अप्रैल से जो आपकी क्लास स्टार्ट होगी दोस्तों, उसमें अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। आपको PDF नोट्स लेने के लिए आपको चैनल को सबसे पहले क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और हमारा जो नंबर है उस पर आपको पेमेंट करना होगा। कितना चार्ज आपको लगेगा इसमें मैं आपको सारा चीज़ आपको यहाँ पर बता देता हूँ। प्रधान शिक्षक बहाली जो 2024 है और आपकी जो एग्ज़ाम है वो लगभग मई से पहले नहीं होगा, मई के बाद ही होगा आपका, यानी कि जून या जुलाई में उम्मीद बनता है आपका, ठीक है। तो न्यू बैच स्टार्ट हो रही है दोस्तों आपको 1 अप्रैल 2024 से, है ना। 1 अप्रैल 2024 से आपकी न्यू बैच स्टार्ट हो रही है और डेली इसमें जो क्लास चलेगी वो रात्रि में चलती है आपकी क्लास 9 बजे से, है ना। और अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो इसके बाद और भी क्लास आपको दिया जाएगा, ठीक है। इसमें आपको DLED आपको क्लास होगा और इसके अलावा सामान्य अध्ययन, है ना, सभी चीज़ आपको यहाँ पर तैयारी हो जाएगी, DLED और सामान्य अध्ययन दोनों की आपकी दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसमें फ़ी की बात क्या है, तो फ़ी देखिए, जो नए टीचर्स लोग अगर इसमें जुड़ना चाहते हैं, है ना, जो अभी तक हमारे यहाँ नहीं जुड़े हैं प्रधान शिक्षक में, तो उनको आपको 399 आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। 399 उनका चार्ज लगेगा। अगर वो किसी में नहीं जुड़े हैं, अभी ये चार्ज है, ये चार्ज आपका फिर बाद में बढ़ जाएगा, तभी ये ऑफर है, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। और जो हमारे ओल्ड टीचर हैं यानी कि पुराने टीचर हैं, हमारे यहाँ जुड़ चुके हैं पहले से, अगर वो चाहते हैं फिर से हम पढ़ें, है ना, तो उनका मात्र 201 यानी कि 201 रुपया उनका चार्ज लगेगा दोस्तों, है ना। पुराने टीचर जो हैं अगर वो हमसे जुड़ना चाहते हैं, फिर से पढ़ना चाहते हैं, शुरू से पढ़ना चाहते हैं, है ना, क्योंकि न्यू बैच स्टार्ट होगी आपकी 1 अप्रैल से, तो उसका 201 रुपया चार्ज लगेगा, उनको नए ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और पुराने जो अभी चल रहा है उनका चलते रहेगा, फिर नया वाला भी उनका चलते रहेगा, ठीक है। फिर अलग से कोई चार्ज आपको मंथली नहीं लगेगा, एक ही बार आपको पे करना पड़ेगा। ये नंबर आपको दिया गया है 7857 8410, जहाँ आपको पेमेंट करके आपको हमारे ग्रुप में जुड़ जाना है। और पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। जो भी पेमेंट करेंगे इस नंबर पर तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट लेकर के हमारे इसी नंबर पर आप हमें स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ठीक है। फ़ोनपे या गूगल पे से, पेटीएम भी कर सकते हैं, ऐसे पेटीएम में थोड़ा सा समस्या आ रहा था, पेटीएम बंद होने वाला था, है ना, तो पेटीएम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस नंबर पे आपको पेटीएम भी है, अमेजन पे भी है, सब चीज़ है आपका, ठीक है, है ना, व्हाट्सएप पे भी है, तो कई किसी माध्यम से आप इस पर पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आप एक काम जरूर करना है कि स्क्रीन शॉट लेकर के, हमारा यही नंबर व्हाट्सएप भी है तो उस पर आप जरूर हमें भेज दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको ग्रुप में जोड़ सकूं और पता चल सके कि आपने पेमेंट कर दिया है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं तो फिर पता नहीं चलता है, है ना, इसकी वजह से ही आपसे एक स्क्रीनशॉट मांगा जाता है दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज का क्लास है आपका अध्याय नंबर ये 16 है, इसके पहले 15 अध्याय टोटल हो गया था, और यूनिट नंबर आपका ये 6 है दोस्तों, है ना। 5 यूनिट तक आपका कंप्लीट हो गया था और यूनिट नंबर 6 में हम लोग को पढ़ना है राज्य में शिक्षा से संबंधित प्रमुख संस्थाएं, है ना। देखिए हमारे राज्य में बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे बोर्ड हैं, है ना, जैसे कि आपको सुने होंगे आप संकुल संसाधन केंद्र यानी कि CRC का नाम सुने होंगे, CRC के अलावे BRC का नाम सुने होंगे, है ना। इसके अलावे आप बिहार बोर्ड है, मदरसा है, तो बहुत सारी बोर्ड है और बहुत सारी प्रमुख संस्थाएं हैं, उनके बारे में हम यहां पर अभी जानेंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, यहां से आपको सवाल एग्जाम में बनेगा। तो शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। तो शिक्षा से संबंधित जो प्रमुख संस्थाएं हैं दोस्तों और प्रमुख बोर्ड है
है ना। तो ये पहला पॉइंट यही है। तो इसमें कह रहा है कि शिक्षा से संबंधित निकटवर्ती जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाएं कार्यरत है, है ना। आप देखते होंगे, हम लोग देखते हैं ना कि जिला स्तर पर बहुत सारी संस्थाएं हैं, ठीक है, राज्य स्तर पर भी है और कुछ राष्ट्रीय स्तर पर भी, यानी कि हमारा सेंट्रल लेवल पर भी है आपका, जो शिक्षा के विकास में अपना योगदान देती रहती है। और इसका विस्तृत विवरण इस प्रकार है ना। आखिर ये संस्थाएं का निर्माण क्यों किया गया था? क्योंकि शिक्षा को जितना से जितना आसान बनाया जा सके, है ना, मतलब सभी लोगों तक इसको पहुँच बनाया जा सके। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे निकटवर्ती जिला स्तरीय संस्थाएं, फिर देखेंगे दोस्तों यहाँ राज्य स्तरीय, फिर देखेंगे हम राष्ट्रीय स्तरीय, ठीक है। तो एकदम नीचे से शुरू करेंगे और एकदम ऊपर तक चलेंगे आपको, है ना। सबसे पहले हम जिला स्तरीय शुरू करेंगे। तो जिला स्तरीय में आप सबसे पहले हम देखेंगे CRC, है ना। CRC का फुल फॉर्म भी याद रखना है, संकुल संसाधन केंद्र, ठीक है। आखिर CRC का काम क्या है, है ना, इसका यूज क्या है, कहाँ पर उपयोग होता है, है ना, किस स्तर पर ये कार्य करता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर अभी देखेंगे। तो कह रहा है कि CRC जो है दोस्तों, यानी कि संकुल संसाधन केंद्र जो है, है ना, इसके बारे में देखते हैं कि इसको स्थापित करने की संकल्पना जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DPEP, है ना, नाम सुने होंगे आप लोग DPEP, इसका फुल फॉर्म भी आप जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि फुल फॉर्म भी आपको एग्जाम में काट हो पूछ लेता है ना। तो इसका जो स्थापित जो किया गया है दोस्तों, करने की जो संकल्पना है, वो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन के दौरान उत्पन्न हुई थी, यानी कि DPEP के द्वारा इसका उत्पन्न हुआ था। कह रहा है कि यह कार्यक्रम DPEP, यानी कि कुछ राज्यों के अति पिछड़े जिलों में सन 1990 से 2000 के दशक में चलाया गया था। जी हाँ, तो ये ध्यान रखना है, 1990 से लेकर के 2000 के दशक में इस कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए भारत सरकार ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान सन 2001 में चलाने का निर्णय लिया था। जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान याद रखना है। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में, सबसे ज्यादा बार एग्जाम में ये पूछा गया है। तो वही कह रहा है दोस्तों कि प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण, यानी कि सार्वभौमिकरण का मतलब हुआ कि सभी बच्चों के बीच में जो प्राथमिक शिक्षा है, है ना, उसको पहुंचाया जाए, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान 2001 में इसको शुरुआत किया गया था। और इस अभियान के तहत जो 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, ये भी आपको याद रखना है, किस उम्र से किस उम्र तक, तो 6 से लेकर के 14 साल तक के जो बच्चे हैं, है ना, उस आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमारा मौलिक अधिकार में भी इसका वर्णन किया गया, अनुच्छेद 21 के ए में आप पढ़े होंगे, है ना, अनुच्छेद 21 के ए में आप पढ़े होंगे कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं दोस्तों, उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21 के ए में मौलिक अधिकार भी हमारा है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। और ये उम्र आपको बार बार पूछा जाता है, किससे कब से कब तक, 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के, अनुच्छेद कितने में जोड़ा गया है, तो अनुच्छेद 21 के ए में मौलिक अधिकार के अंतर्गत इसको जोड़ा गया है, और इसको सर्व शिक्षा अभियान के तहत भी इसको जोड़ा गया है आपका, ठीक है। आगे है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत कह रहा है कि संचालित विभिन्न प्रयासों में से एक है कुछ विद्यालयों 15 से 20 का एक संकुल बनाना तथा इन विद्यालयों एवं अध्यापकों के मार्गदर्शन, व्यवसायिक विकास पर्यवेक्षण, शैक्षिक सहयोग एवं निगरानी हेतु संकुल संसाधन केंद्र की स्थापना करना भी शामिल है, है ना। तो इन सभी कार्यों के लिए संकुल संसाधन केंद्र की स्थापना की गई थी। कह रहा है कि इन केंद्रों की गतिविधियां समन्वयकों द्वारा संचालित की जाती है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, हम उस पर थोड़ा सा जोर देते हुए चलेंगे, अन्यथा हम उसको सीधा पढ़ते हुए निकलते जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यही था हमारा, जो सर्व शिक्षा अभियान है, इसको आपको नोट करना है। 2001 में इससे संबंधित क्वेश्चन भी हम लास्ट में आपको टेस्ट लेंगे, ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। अगला जो पॉइंट है वो है कि यह संसाधन केंद्र विद्यालयों में शैक्षिक वातावरण को बनाए रखने, विषय वस्तु से संबंधित आदि समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करती है। यानी कि जो संकुल संसाधन केंद्र है दोस्तों, इसका कार्य क्या है, तो शैक्षिक वातावरण को बनाए रखना, है ना, और इसकी जो समस्याएं जो आएगी, है ना, उसको समाधान करना आपका। संकुल संसाधन केंद्र का प्रमुख कार्य अब देखते हैं कि इसका कार्य क्या क्या है। तो पहला है कि विद्यालयों में शैक्षिक वातावरण को उन्नत बनाए रखना, सबसे पहला कार्य क्या है आपसे पूछ सकता है कि संकुल संसाधन केंद्र जो CRC है, इसका मतलब निम्नलिखित में से क्या कार्य है। तो बहुत सारा कार्य है, यहाँ पर अभी देखेंगे हम, ठीक है।
तो कह रहा है कि विषय वस्तु से संबंधित कोई भी समस्या होने, है ना, विषय वस्तु से संबंधित अगर कोई समस्या होती है, है ना, और बच्चों को समझने में परेशानी होने पर संकुल संसाधन केंद्र द्वारा कार्यक्रम का आयोजित किया जाता है तथा ऐसे समस्या का समाधान किया जाता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि सीआरसी के माध्यम से अध्यापकों एवं मुख्याध्यापकों की प्रशिक्षण की आवश्यकताओं का पता लगाया जाता है, है ना, जो अध्यापक है या फिर मुख्य अध्यापक है उनका प्रशिक्षण के बारे में भी जानकारी देती है तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है सीआरसी के द्वारा। कह रहा है कि उनके ज्ञान कौशल आत्मविश्वास का समर्थन संवर्धन करके विद्यालयों में शिक्षा के स्तर को उन्नत किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी कार्य आपका सीआरसी का है। आगे कह रहा है कि इसके अलावा दोस्तों राज्य जिला एवं खंड से प्राप्त सूचना, है ना, जैसे कि दिशा निर्देश एवं शिक्षण सामग्री जैसे पाठ्य पुस्तकों एवं अन्य पूरक पुस्तकें आदि विद्यालयों तक समय पर पहुंचाना, विद्यालय एवं अध्यापकों की समस्याओं को ऊपरी स्तरों पर पहुंचाना, ना बहुत प्रकार की समस्या होती है विद्यालय में अध्यापकों की, तो उसको कैसे हमको और आगे तक पहुँचाया जा सके, है ना, तो ये भी कार्य उसमें शामिल होता है। उपरोक्त के अलावा दोस्तों संकुल संसाधन केंद्र जो है वो विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार में निम्न प्रकार से मदद करते हैं। जी हाँ, तो शिक्षा में आखिर गुणवत्ता को कैसे सुधारा जा सके, है ना, इस पर भी कार्य करती है सीआरसी। उसमें आपको कह रहा है कि अध्यापकों एवं विद्यालयों की छात्रों के उपलब्धि परीक्षण पत्र बनाने में सहायता करना, है ना, उपलब्धि परीक्षण पत्र बनाया जाता है उसमें सहायता किया जाता है सीआरसी के द्वारा, है ना, अचीवमेंट टेस्ट पेपर्स आपका। अगला पॉइंट है कि गुणवत्ता निगरानी प्रारूपों द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचनाएं एवं आंकड़े विद्यालयों से प्राप्त करके अपनी टिप्पणी एवं विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार करना तथा रिपोर्ट को खंड स्तर के अधिकारियों को भेजना, है ना, जिस प्रकार की अगर इस प्रकार की समस्या होती है तो इस रिपोर्ट को आगे पहुँचाना, ये भी कार्य किसका है, तो सीआरसी के द्वारा ही किया जाता है। आगे कह रहा है दोस्तों कि समुदाय के प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 एवं शिक्षा के गुणात्मक सुधारों में उनकी भूमिका के बारे में अवगत कराकर उन्हें विद्यालय के प्रबंधन में सक्रिय भूमिका के लिए भी प्रेरित करना। जी हाँ, जो शिक्षा का अधिकार है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 है, है ना, ये लागू कब हुआ था, 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू किया गया था, याद रखना है, और इसको भी प्रेरित करना, यह भी इनका कार्य है। संकुल स्तर पर विषय विशेषज्ञों का एक समूह गठित करना एवं समय समय पर उनकी सेवाओं का लाभ विद्यालयों एवं अध्यापकों तक पहुंचाना, ये भी कार्य किसका है, तो सीआरसी की ही है। ठीक है, आगे है कि संकुल स्तर पर कार्य को कार्य योजना बनाना तथा कार्य नवीन करना। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। कह रहा है कि संकुल स्तर पर विद्यालयों के सभी प्रकार के आंकड़े जैसे शिक्षकों की संख्या कितनी है, छात्रों की कितनी संख्या है, छात्रों के प्रति वर्ष कक्षा में प्रवेश लेने की संख्या कितनी है, विद्यालयों की संख्या में होने वाली वृद्धि कितनी है अथवा गिरावट क्या आ रहा है, विद्यालय छोड़ने वाले बच्चे आदि विवरण किया जाता है, तो ये भी कार्य किसका है दोस्तों, सीआरसी का ही ये सब कार्य है। हालांकि कितने बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, कितने शिक्षक हैं, है ना, कितने बच्चे विद्यालय को छोड़ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कह रहा है कि संकुल स्तर पर प्रभावी कार्य योजना बनाने तथा उसके क्रियान्वयन के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, है ना, बहुत प्रकार के कार्य हैं, वो भी आपको यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि कह रहा है कि संकुल स्तर पर कार्य योजना बनाने हेतु कार्यशालाओं का आयोजन कर स्थिति पर आकलन करना, भविष्य की संभावित व्यूह रचनाओं के बारे में विचार विमर्श करना, विद्यालयों के प्रमुखों मुख्याध्यापकों समुदाय के प्रतिनिधियों एवं विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों से समय समय पर चर्चा एवं सभाओं का आयोजन करना, आने वाले वर्ष के लिए विद्यालय विकास योजना तैयार करने में उसकी मदद करना, तो बहुत सारे कार्य है संकुल संसाधन केंद्र का दोस्तों। संकुल स्तर के विद्यालय के बाहर के बच्चों, है ना, जो संकुल जो विद्यालय के बाहर के बच्चे हैं उससे संबंधित पूर्ण जानकारी प्राप्त करना, ऐसे सभी बच्चों का विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित करने का प्रयास करना तथा ऐसे बच्चों के लिए विद्यालयों में विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, उनकी निगरानी करना, ना जो बच्चे स्कूल में नहीं है, है ना, उनको भी किसी तरीके से स्कूल में लाया जा सके, ये भी कार्य आपका इन्हीं का है ना। आगे कह रहा है कि शिक्षा से संबंधित
चलने वाली योजना, बहुत सारी योजना है, जैसे कि सर्वशिक्षा अभियान है, है ना, मध्यान्ह भोजन योजना है, है ना, संकुल में सुचारू रूप से संचालित तथा इसमें विद्यालयों में मदद करना, है ना। आखिर ये सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं सर्वशिक्षा अभियान, या फिर मध्यान्ह जो भोजन योजना है जो बच्चों को दिया जाता है डेली, है ना, आखिर ये सही तरीके से चल रहा है कि नहीं, बच्चों को सही तरीके से सभी चीज़ मिल रहा है कि नहीं, ये सभी भी कार्य किसका है, तो संकुल संसाधन केंद्र CRC का ही है। तो ये पहला नंबर हम लोग पढ़े सबसे पहले CRC। अगला जो पॉइंट आता है दोस्तों वो है आपका BRC, है ना। दूसरा नंबर जो है वो BRC, और BRC से आप लोग परिचित ही होंगे, है कि नहीं, BRC से क्या क्या होता है। तो अब दूसरा पॉइंट हम देखेंगे BRC का आपका, ठीक है, यानी कि प्रखंड संसाधन केंद्र जिसको कहते हैं, याद रखना है BRC का फुल फॉर्म, है ना, बी से हो गया ब्लॉक संसाधन केंद्र, यानी कि प्रखंड संसाधन केंद्र आपका, ठीक है। कह रहा है कि यह केंद्र भी संकुल संसाधन केंद्रों की तरह ही जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तथा सर्व शिक्षा अभियान के तहत खंड स्तर पर स्थापित किए गए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिर इसको जो स्थापित किया गया है प्रखंड संसाधन केंद्र को, है ना, BRC को, तो ये किसके तहत किया गया है, याद रखना है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम यानी कि DPEP तथा सर्व शिक्षा अभियान यानी कि SSA के तहत, है ना, इसको खंड स्तर पर इसको स्थापित किया गया है। तो अभी हम सबसे पहले देख रहे हैं जिला स्तर पर, फिर देखेंगे राज्य स्तर पर, फिर देखेंगे हम दोस्तों केंद्रीय स्तर पर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, इसको जो स्थापना की गई है आपका। आगे कह रहा है कि इन केंद्रों जैसे कि ब्रैकेट में दे दिया है, जैसे कि खंड स्तर पर संसाधन केंद्र BRC की विभिन्न गतिविधियों का संचालन भी समन्वयकों द्वारा किया जाता है। मुख्य रूप से खंड स्तर पर संसाधन केंद्र जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान DIET एवं संकुल संसाधन केंद्रों के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करता है, है ना। डायट का नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है, तो डायट उसके बीच का ये, और CRC, है ना, CRC जो है और डायट जो है इसके बीच के केंद्र का कार्य करता है दोस्तों कौन, तो BRC आपका, है ना, इसके बीच को जोड़ने का कार्य करता है आपका। वही कराने के मुख्य रूप से जो खंड स्तर पर संसाधन केंद्र जो BRC है दोस्तों, ये जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जो डायट है, डायट भी आगे हम पढ़ेंगे, डायट के बारे में भी, है ना, उससे भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, है ना, और डायट एवं जो संकुल संसाधन केंद्र है उसके बीच की कड़ी के रूप में कार्य करता है, यानी कि दोनों को जोड़ने के रूप में कार्य करता है कौन, तो BRC, है ना, डायट और CRC को जोड़ने का कार्य करता है, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे है कि खंड स्तर पर संसाधन केंद्र, है ना, ब्लॉक संसाधन केंद्र, प्रखंड संसाधन केंद्र जो है इसको समन्वयक के रूप में सभी संकुल संसाधन केंद्रों के कार्यों में सहयोग एवं संकुल संसाधन केंद्रों के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं निगरानी करते हैं। इसके अलावा इनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी हैं, है ना, यानी कि BRC का कार्य क्या है कि CRC जो कार्य कर रहा था आखिर वो सही से कार्य कर रहा है कि नहीं, उसका निगरानी करना है, ठीक है। इसके अलावा भी इसका बहुत सारा कार्य है, कौन कौन से कार्य भाई, तो संकुल संसाधन केंद्रों के कार्यों में सहयोग करना, है ना। तो सबसे पहले हम यही देखे थे संकुल संसाधन केंद्र, अब देखेंगे कि जो संकुल संसाधन केंद्र जो कार्य कर रही थी उसके कार्यों में BRC सहयोग कर रही है या नहीं कर रही है, है ना, क्योंकि इसको सहयोग करना है, ठीक है। आगे कह रहा है कि खंड समन्वयक के रूप में यह खंड के सभी संकुल संसाधन केंद्रों के कार्यों में उनकी सहायता के लिए करता है, जैसे सेवाकालीन शिक्षकों का प्रशिक्षण, मुख्याध्यापकों का प्रशिक्षण, संकुल समन्वयकों का प्रशिक्षण, संकुल स्तर की रिपोर्ट का विश्लेषण कर संकुलों के लिए आवश्यक सलाह मार्गदर्शन प्रदान करना, जिससे कि खंड के सभी विद्यालयों में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करना आदि शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज का आपको निगरानी कौन कर रहा है, तो BRC कर रहा है, संकुल संसाधन केंद्रों का पर्यवेक्षण एवं निगरानी, जी हाँ। अब देखेंगे संकुल संसाधन केंद्र का पर्यवेक्षण एवं निगरानी हो रहा है कि नहीं, कह रहा है कि यह संसाधन केंद्र जो है, संसाधन केंद्र खंड के सभी संकुल संसाधन केंद्रों की गतिविधियों का पर्यवेक्षण एवं निगरानी करता है BRC। इसके कार्यों में प्रमुख कार्य शामिल है कि खंड स्तर पर संकुल समन्वयकों की मासिक बैठक या गोष्ठी की योजना बनाना तथा उसका आयोजन करना,
ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि मासिक बैठक, यानी कि प्रत्येक महीना जो ये बैठक होती है, तो मासिक बैठकों के माध्यम से दिए गए निर्देशों को संकुल स्तर और विद्यालय स्तर पर अनुपालन करना एवं भविष्य के लिए आवश्यक सुझाव और दिशा निर्देश को जारी करना, ठीक है। तो ये भी आपका ये कार्य है। आगे है कि संकुल संसाधन केंद्र के यानी कि CRC के समन्वयकों की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करना, ये भी BRC का है, अगर किसी प्रकार का समस्या हो, और जिला स्तर के सभी अधिकारियों से इसमें मदद लेना, ठीक है। तो ये भी कार्य आपका BRC का है। आगे है कि सूचना के आदान प्रदान के लिए, जी हाँ, सूचना के आदान प्रदान के लिए प्रभावी सूचना प्रबंधन प्रणाली को खंड तथा संकुल स्तरों पर स्थापित करने का पूरी तरह से प्रयास करना। नेक्स्ट है कि गुणवत्तापूर्ण निगरानी उपकरणों के द्वारा संकुल स्तरों से प्राप्त रिपोर्टों का विश्लेषण करना तथा निर्धारित प्रारूप में अपनी रिपोर्ट जिला स्तर के अधिकारियों तक पहुंचाना। जी हाँ, जो हम इसको जांच कर रहे हैं उसको जिला स्तर का इसको क्या करना है, पहुंचाना है, है ना, खंड स्तर से लेकर के जिला स्तर का इसको पहुंचाना है। आगे कह रहा है कि पर्यवेक्षण एवं निगरानी के आधार पर संकुल समन्वयकों को सलाह, सुझाव एवं मार्गदर्शन देना, ये भी कार्य है। नेक्स्ट है कि संकुल समन्वयकों के सशक्तिकरण के लिए शिक्षा में विभिन्न नवाचारों एवं कार्यक्रमों जैसे समावेशी शिक्षा, इसका नाम आप लोग सुने होंगे समावेशी शिक्षा, एवं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 पर आधारित सभाओं का आयोजन करना। जी हाँ, तो ये सारे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, जैसे कि समावेशी शिक्षा हो गया, सतत व्यापक मूल्यांकन हो गया, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा हो गया, है ना, और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 हो गया, तो इन सभी पर सभा का आयोजन करना भी BRC का ही कार्य है, ठीक है। तो ये सारे कार्य आपका BRC का था, जो CRC का कार्य कर रही थी उसमें सहयोग करना, ये भी कार्य था। अब जो अगला पॉइंट है दोस्तों, वो है आपको जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायट, और डायट से संबंधित भी आपको बहुत सारा पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद हम PTEC के बारे में भी देखेंगे, है ना, PTEC की क्या कार्य प्रणाली है, क्योंकि जितने भी जिला में, राज्य में और केंद्र में है आपका, है ना, जो संस्थाएं हैं उसी के बारे में आपको यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। SCERT के बारे में देखेंगे, NCERT के बारे में भी देखेंगे, है ना, बिहार बोर्ड के बारे में देखेंगे, BBOS के बारे में देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जिसके बारे में यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, है ना। यूनिट नंबर 6 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब देखते हैं डायट के बारे में, ना, तो डायट का सबसे पहले आपको एक फुल फॉर्म याद रखना पड़ेगा, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, है ना, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, एक फुल फॉर्म आपको जरूर एग्जाम में ये पूछ सकता है कि डायट का फुल फॉर्म क्या होता है। आगे है कि प्रारंभिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने हेतु जिला स्तर पर शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने की सिफारिश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में की गई थी। जी हाँ, आखिर जो डायट की स्थापना हुई थी दोस्तों, ये स्थापना की सिफारिश जो की गई थी, वो जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी, उसी में इसकी सिफारिश की गई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है कि देश के अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी इस संस्थान की स्थापना की गई है। देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन अगर इसको एक बार आप देख लेते हैं ना, तो फिर आपको दोबारा इसको जरूरत नहीं पड़ेगा कहीं पढ़ने की, है ना, कहीं से आपको कोई भी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस जितना आपको करवा दिया गया है बस उतना आप कर लीजिए, इसका क्वेश्चन आंसर कर लीजिए, टेस्ट बना लीजिए, है ना, बस आपको ज़्यादा तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है, उतना समय भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम इसमें देख रहे हैं कि देश के अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी इस संस्था की स्थापना की गई है। इन संस्थान का समय कह रहा है कि इनमें निम्न 7 इकाइयों के संचालन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन शामिल किया गया है, ठीक है, और इसमें क्या क्या शामिल किया गया है वो भी हम आप देखेंगे, 7 जो इकाई है, आखिर कौन कौन सा वो 7 इकाई है, है ना। और कह रहा है कि इन दिशा निर्देशों में 7 इकाइयों अथवा विभागों की अनुशंसा की गई है जो शामिल है, है ना, यानी कि डायट में दोस्तों, और वो डायट में 7 कौन कौन से हैं वो भी आप यहाँ से देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। कह रहा है कि सबसे पहले सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा, उसके बाद है कि अंतः सेवा प्रशिक्षण क्षेत्र एकीकरण नवाचार एवं समन्वयक, तीसरा है कि पाठ्यचर्या के बारे में सामग्री विकास एवं मूल्यांकन, फिर है शैक्षिक तकनीकी, फिर है योजना एवं प्रबंधन, फिर है जिला संसाधन इकाई और कार्यानुभव, 7 इकाई में इसको बांटा गया है,
है ना, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की इकाइयाँ, ये सातों इकाई आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आगे इसमें दिया गया है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के क्या कार्य है, है ना, यानी कि जो डायट है आखिर इसका क्या कार्य है भाई, इसका क्या काम है डायट का। तो इसमें कह रहा है कि यह संस्थान जो है दोस्तों सेवा पूर्व शिक्षण प्रशिक्षण की द्वितीय कार्यक्रम चलाया जाता है, है ना, सेवा पूर्व शिक्षण प्रशिक्षण की द्विवर्षीय कार्यक्रम चलाया जाता है। और कह रहा है कि सेवारत शिक्षकों की प्रशिक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखकर केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं परियोजनाओं को अध्यापकों एवं विद्यालयों तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों व कार्यशालाओं का आयोजन इस संस्था द्वारा किया जाता है। अभी आप देखे होंगे कि जो बीपीएससी के द्वारा जो बहाल हुए हैं शिक्षक, उनका 15 जो दिवसीय यानी 14-15 जो दिवसीय जो प्रशिक्षण चला है, है ना, वो कहाँ चला है, डायट में ही चला है, पीटीसी में चला है, है ना। तो ये ही कार्य है दोस्तों डायट का, है ना, प्रशिक्षण देना शिक्षकों को, ठीक है। आगे है कि इसके अलावा भी इनके अन्य कार्य हैं, है ना, ऐसा थोड़ी कि खाली यही कार्य है, और भी बहुत सारे कार्य हैं डायट का जो निम्न है, जैसे कि खंड स्तर के कार्यों में सहायता करना, है ना, यानी कि जो खंड स्तर पे जैसे कि सीआरसी था, बीआरसी था, उसमें सहायता करना, ठीक है। देखिए जो भी नीचे है, हाँ, और उसके जो ऊपर है, जैसे सबसे नीचे हम पढ़े थे सीआरसी, उसके बाद पढ़े बीआरसी, उसके बाद पढ़ रहे हैं डायट, तो जो भी ऊपर चलते जाएगा वो नीचे वाले स्तर को क्या करेगा, सहायता करते हुए चलेगा, है ना। कह रहा है कि यह संस्था जो है वो खंड स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण की स्थिति, है ना, और सर्व शिक्षा अभियान की प्रगति की समीक्षा करना, खंड स्तर पर सभी शिक्षण सामग्रियों को विद्यालयों तक पहुंचाने में मदद करती है, है ना, ये भी कार्य आपका क्या है, सहायता करती है, ठीक है, डायट का है। कह रहा है कि खंड स्तर अधिकारियों के साथ समय समय पर बैठकों का आयोजन करना, ठीक है, खंड स्तर पे जो अधिकारी लोग हैं, है ना, उसके साथ बैठक का आयोजन करना, और उससे ये पता लगाना कि आखिर जो खंड स्तर पे जो विद्यालय है, है ना, जो बीआरसी है, वो सही से कार्य कर रही है कि नहीं। कह रहा है कि तथा उनकी समस्याओं को क्या करना है, सुनना, और विद्यालय स्तर की शिक्षा सुधार की गतिविधियों पर चर्चा करना तथा भविष्य के लिए पृष्ठभूमि को तैयार करना, है ना, ये भी कार्य आपका डायट का है। आगे कह रहा है कि खंड स्तर एवं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान SCERT, जी हाँ, ये भी आपको याद रखना है, SCERT का फुल फॉर्म, है ना, जैसे कि राज्य में आपका SCERT होता है और सेंट्रल में आपका NCERT होता है, ठीक है। तो खंड स्तर एवं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, है ना, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान जो SCERT है तथा राज्य के शिक्षा विभाग के मध्य एक कड़ी का कार्य करता है तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, जी हाँ। तो ये सारे चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे हम चलते हैं खंड संसाधन केंद्रों का पर्यवेक्षण एवं निगरानी, जी हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रख लीजिएगा। खंड संसाधन केंद्र तथा खंड संसाधन केंद्र का पर्यवेक्षण एवं निगरानी, कह रहा है जिला के सभी समन्वयकों के कार्यों एवं गतिविधियों का समय समय पर पर्यवेक्षण करना और समस्याओं को पहचानना, ठीक है। कह रहा है कि खंडों से गुणवत्ता निगरानी रिपोर्ट निर्धारित प्रारूपों और प्रपत्रों में प्राप्त कर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार कर राज्य स्तर के कार्यालयों जैसे कि राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT और सर्व शिक्षा अभियान के मामले में राज्य परियोजना को भेजना। आगे पॉइंट है कि जिले के विभिन्न खंडों के विद्यालयों एवं अध्यापकों मुख्य अध्यापकों की शैक्षिक आवश्यकताओं का पता लगाकर कदम उठाना और जिससे कि जिले में सभी विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके, यानी कि जो भी कमी है उसको आगे बढ़ाना और उस पर कदम उठाना, है ना, ये सारे कार्य हैं। और ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा उसमें थोड़ा सा जोर दूंगा, है ना, उस पर 2-4 बार मैं डिस्कस कर लूँगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, है ना, ऐसे वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना, ऐसे मैं सभी पॉइंट को पढ़ते हुए चलता हूँ। जिले के निचले स्तर के शैक्षिक सहायता प्रदाता केंद्र जैसे कि संकुल संसाधन केंद्र, है ना, सबसे निचले स्तर पर हम देखे थे CRC, उसके बाद देखे थे BRC के समन्वयकों के मध्य एवं एक व्यवहारिक प्रभावी समन्वयक स्थापित करना, ठीक है। आगे है दोस्तों कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट के अन्य कार्य, कुछ और भी इनके कार्य है डायट का, वो भी यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि पहला पॉइंट यहाँ पर दिया है डायट के कार्य में कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, जी हाँ, जो शिक्षक का प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है उसका भी आयोजन किया जाता है डायट के द्वारा। कह रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा के दोनों स्तरों,
है ना, एक तो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के शिक्षकों के लिए समय समय पर अंत सेवा प्रशिक्षण का आयोजन करना तथा सेवा पूर्व डिप्लोमा इन एजुकेशन का द्विवर्षीय कार्यक्रम का आयोजन करना, है ना। डीएलएड जो होता है ना, वो भी आपको डायट के द्वारा ही करवाया जाता है, वो भी आप ध्यान रखना। डिप्लोमा इन एजुकेशन दो वर्ष का होता है, वो भी आयोजन किसके द्वारा होता है, तो डायट के द्वारा ही होता है। उसके अलावा जो प्राथमिक शिक्षक हैं या फिर जो मिडिल स्कूल के टीचर हैं, यानी कि जिनको उच्च प्राथमिक कहा जाता है, उनका समय समय पर प्रशिक्षण होते रहता है, वो सभी डायट में ही होता है। उसके बाद अगला जो पॉइंट दिया गया है, पाठ्यचर्या सामग्री निर्माण। जी हाँ, तो पाठ्यचर्या जो सामग्री निर्माण की जो बात आती है, तो ये भी कार्य आपको डायट को ही सौंपा गया है। कह रहा है कि विभिन्न प्रकार की पाठ्यचर्या सामग्री शिक्षक एवं मुख्याध्यापकों, शैक्षिक पर्यवेक्षकों और समुदाय के प्रतिनिधियों के लिए मार्गदर्शिकाएं अथवा प्रशिक्षण मॉड्यूलों को विकसित करना। इसके लिए छात्रों के लिए कार्य पुस्तिकाओं एवं पूरक अधिगम सामग्री का भी विकास करना, ये भी डायट का ही कार्य है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, शैक्षिक अनुसंधान, शिक्षा की समस्याओं, अध्यापक तथा विद्यालयों की प्रभाविकता की जांच, समुदाय का शिक्षा के प्रति समझ, समावेशी शिक्षा के लिए विद्यालयों की जरूरतें, अध्यापकों द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण का लाभ कक्षा कक्ष की प्रक्रिया तक ले जाना, छात्रों का विद्यालय से पलायन यानी कि और बालिकाओं की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण आदि का ध्यान रखना, है ना। चयन करने के लिए विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता होती है। जिला स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डायट को इस कार्य को खंड एवं संकुल स्तर के समन्वयक एवं शिक्षा अधिकारियों को जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डायट द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है तथा जिला अनुसंधान की विभिन्न आवश्यकताओं का निर्माण, प्रतिदर्श चयन प्रक्रिया, रिपोर्ट लिखना आदि कार्यशालाओं का आयोजन करना, ये सारे कार्य आपको डायट को दिया गया है दोस्तों, ठीक है। चौथा नंबर पॉइंट आपको दिया गया है कि प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रमों का आयोजन करना, ठीक है। प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम का आयोजन करना भी कार्य, ये जो कार्य दिया गया है वो भी डायट को ही दिया गया है। कह रहा है कि इसका आयोजन जो है वो जिला स्तर पर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों की योजना बनाना और खंड एवं संकुल स्तर पर इनका क्रियान्वयन करना और समय समय पर इन कार्यक्रमों की निगरानी करना और रिपोर्ट तैयार करना, ये भी आपको डायट का ही कार्य है, ठीक है। तो ये सभी कार्य आपको डायट को ही सौंपा गया है, बहुत सारे कार्य हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जिले के प्रत्येक आवास, है ना, के निरक्षरों से संबंधित आंकड़े एकत्र करना। जी हाँ, प्रत्येक आवास के निरक्षरों से संबंधित आंकड़े एकत्र करना और आवश्यकता अनुसार प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाकर जिले की साक्षरता दर को बढ़ाने का कार्य करना, है ना। अब जैसे कि घर घर जाकर के, है ना, प्रत्येक आवास से ये पता करना कि आखिर इस घर में कौन अनपढ़ है, है ना, अशिक्षित है, और उनको क्या करना है, शिक्षा देना है, ठीक है। उनको ये भी कार्य करना क्या है, तो डायट का ही कार्य है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। इसके बाद आपका है कि प्रारंभिक शिक्षा महाविद्यालय PTEC, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे यहाँ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं। PDF नोट्स आपको सारा मिल जाएगा DLED का और समान अध्ययन का। ये नंबर आपको दिया गया है व्हाट्सएप 7857842410। नया बैच आपको शुरू होगी 1 अप्रैल से, तो आप उसमें अभी से ही जुड़ जाइए और आप अभी से ही तैयारी करते रहिए। और जो नया बैच है उसमें आपको दोबारा चार्ज नहीं लगेगा, मात्र उसमें आपको 399 अभी मात्र चार्ज लगेगा। यही नंबर आपको दिया गया है, फ़ोनपे गूगल पे भी यही है और व्हाट्सएप नंबर भी आपको यही है। तो जो लोग भी इस पर 399 का पे करके व्हाट्सएप करते हैं, नए ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और उनको पूरा समान अध्ययन है और DLED है, जो भी है सिलेबस में उसको पूरा करवाया जाएगा। 1 अप्रैल से न्यू क्लास चलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है कैरियर परिवार को, है ना। ये हमारा चैनल है और इस पर आपको देखते रहना है ना। वीडियो आप लोग को बिल्कुल फ्री मिलेगा, बस इसका PDF का चार्ज लग रहा है दोस्तों, है ना, इसीलिए हम चार्ज बहुत कम रखे हैं। क्लास आप बिल्कुल हमारे यहाँ फ्री देख सकते हैं, लेकिन जो PDF है उसको बनाने में जो खर्च आया है, बस उसी के लिए आपको ये 300-400 रुपये आपका मात्र लग रहा है। और जो लोग हमारे पुराने टीचर हैं
और वो लोग भी अगर चाहते हैं नए बैच में जुड़ना तो उनके लिए मात्र 201 चार्ज है ना, 201 मात्र उनका चार्ज है, तो वो भी आप हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं। ठीक है, जो पुराने टीचर हैं अगर वो भी चाहते हैं कि नया बैच में हम भी जुड़ें और फिर से तैयारी करें, शुरू से तैयारी करें, तो मात्र उनको 201 रुपया पेड करना है और जो नए लोग हैं उनको मात्र 399 रुपया चार्ज लगेगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है प्रारंभिक शिक्षा शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय PTEC, है ना। PTEC देखिए बहुत जगह आप देखे होंगे और इस बार जो शिक्षकों लोगों का प्रशिक्षण हुआ है PTEC में, उसके बारे में हम देखते हैं ना, PTEC क्या है, PTEC का क्या कार्य प्रणाली है, है ना, क्या इसकी विशेषताएं हैं, सभी चीज़ों को यहाँ पर जानेंगे। कह रहा है कि प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, सबसे पहले PTEC का आपको फुल फॉर्म याद रखना है, है ना, प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा मत कर दीजिएगा, प्रारंभिक शिक्षक उसके बाद शिक्षा महाविद्यालय, है ना। कह रहा है कि यह राज्य सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है, याद रखना है। यह जिला स्तर की संस्थाएं होती है, जी हाँ, हर एक जिला में लगभग ये होता है। आगे है कि जिसे प्रायः राज्य सरकारों के द्वारा जिलों स्तरों पर खोली जाती है ना, इसको प्रत्येक जिला स्तर पर खोली जाती है, राज्य सरकार के द्वारा ये संचालित होती है, ध्यान रखना है। कह रहा है कि इन महाविद्यालयों को भारत सरकार के NCERT से मान्यता प्राप्त होता है, जी हाँ, जो भारत सरकार का NCERT है उससे मान्यता प्राप्त होता है दोस्तों PTEC को, है ना, तथा मानक निर्धारित होता है। इसके अंतर्गत 2 वर्षीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण संचालित होता है और इसके 2 वर्षीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण यहाँ पर संचालित होता है। इसके बाद व्यक्ति प्राथमिक विद्यालयों में या फिर उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के रूप में कार्य करने की योग्यता कर लेते हैं। देखिए PTEC में क्या होता है ना, जैसे जो लोग DLED करते हैं ना, तो 2 साल के लिए वहाँ जो कोर्स होता है वो भी आपका होता है। जैसे PTEC मसौढ़ी है तो वहाँ पर भी जो DLED कर रहे हैं 2 साल के लिए जो कोर्स है, वो बच्चे वहाँ पर रह करके, है ना, सारे वहाँ पर क्लास होता है और आप वहाँ पर रहने की व्यवस्था भी है और वहीं पर आपको क्लास भी करना है। तो ये 2 वर्षीय वहाँ पर जो प्रशिक्षण लेंगे वो आपको कहाँ टीचर बनेंगे, तो प्राथमिक विद्यालय में और उच्च प्राथमिक में बनेंगे आपको, यानी कि प्राथमिक और मिडिल में 1 से लेकर 8 क्लास तक वो टीचर बन सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। डायट में भी इस प्रकार का हो रहा था और PTEC में भी ये प्रकार का चल रहा है। इसके नामांकन के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 12वीं पास करना अनिवार्य है और इसके नामांकन के बाद राज्य सरकार द्वारा संचालित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना होता है, जैसे DLED का जो टेस्ट होता है, है ना, जो आपका जो टेस्ट होता है ना, वो टेस्ट अगर पास कर जाते हैं तो आपका उसमें नामांकन होगा और बिल्कुल बहुत कम चार्ज में वहाँ पर आप रह सकते हैं और बिल्कुल फ्री में आपको दोस्तों सारा चीज़ वहाँ पर होता है। करा इसके बाद पूर्ण सेवाकालीन अध्यापक सेवा देने के लिए चयनित हो जाते हैं और आवंटित विद्यालयों में कार्य करते हैं। PTEC का क्या कार्य है ये भी हम देख लेते हैं, PTEC की क्या विशेषताएँ हैं और क्या कार्य प्रणाली है। कह रहा है कि यह सेवा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम को संचालित करता है जो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE के निर्धारण मापदंडों के अनुरूप निर्धारित होता है, जी हाँ। और यानी कि जो ये कार्यक्रम को जो संचालित करती है PTEC दोस्तों, ये NCTE के जो मापदंड होता है उसके अनुरूप ये कार्य करती है, है ना, क्योंकि इसको केंद्र सरकार से इसको मान्यता प्राप्त है। कारण कि इन महाविद्यालय को सेवा पूर्व प्रशिक्षण के लिए सरकार तथा समर्थित शिक्षक शिक्षा संस्थाओं को संबंधित राज्य सरकारों के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। और आगे है कि विभिन्न राज्यों में अध्यापक तथा शिक्षक शिक्षा मांगों को ध्यान में रखकर ही इनका विस्तार संचालन आदि किया जाता है। इसमें नियमित पुस्तिका तैयार की जाती है तथा अकादमिक सहायता के लिए राज्य सरकारों के द्वारा सहायता भी प्रदान की जाती है। यह अध्यापकों को तैयार करने के लिए उनमें सीखने और अध्यापक की विधियों प्रक्रियाओं तथा सिद्धांतों के प्रति समझ विकसित करता है, है ना। यहाँ पर यही चीज़ सिखाया जाता है कि कैसे आपको ये चीज़ विकास करना है, कैसे बच्चों को पढ़ाना है ना, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है PTEC में। यह बालकों की समस्याओं, है ना, तथा सामंजस्य प्रक्रिया को समझने में सहायता करना ताकि छात्रों को उचित एवं सामंजस्य कर सकने में सहायता कर सके, ये भी आपको यहाँ से कराया जाता है। और शिक्षा के स्वरूप उद्देश्यों तथा अभिप्रायों को समझ सकने में सहायता करना
आगे है कि स्कूल की पाठ्यक्रम सहगामी प्रक्रियाओं के संगठन परिवेक्षण तथा उसमें भाग लेने से संबंधित प्रक्रियाओं को समझने में सहायता करना, बालक की प्रकृति के प्रति समझ को विकसित करने, बालकों तथा किशोरों की अभिवृद्धि और प्रक्रिया के प्रति जानकारी को बढ़ावा देना, ये भी इसमें सिखाया जाता है। छात्र अभिवृद्धि, उनकी योग्यता तथा स्कूल के विषयों में उपलब्धियों के मूल्यांकन से संबंधित समझ विकसित किया जाता है, ये भी प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख, शिक्षा प्रणाली की समझ को विकसित करना, विभिन्न शैक्षिक उपकरण, सहायता उपकरण, साधन आदि के प्रयोग का प्रशिक्षण देना, ठीक है। बच्चों के पर्यवेक्षण, बच्चों से संवाद करने तथा उनसे जुड़ने के अवसर, सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक शिक्षा के अनुकूल अध्ययन क्षेत्र तथा विशेष अर्थनीतियों का निर्धारण करना, ये सारे वहाँ चीज सिखाया जाता है दोस्तों, ठीक है। प्रारंभिक विद्यालय का कक्षा स्तर पर ज्ञान प्रदान करना, पाठ की योजना बनाना, विषय वस्तु को संगठित करना, समझ को विकसित करना, ये सारे चीज वहाँ पर सिखाया जाता है। कहाँ पर? तो PTEC में सिखाया जाता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है आपका NCERT, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है आपका SCERT आपका पॉइंट है, और ये लास्ट आज का क्लास होगा, पॉइंट होगा, है ना। तो 10 मिनट अभी और क्लास आपकी चलेगी, इसके बाद आज की क्लास समाप्त होगी, है ना। इसके बाद हम लोग बहुत सारा है, BSE BEPC के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद BSEB के बारे में देखेंगे, है ना, और उसके बाद BSSB के बारे में देखेंगे, बहुत सारे चीज है, है ना। BBOS के बारे में देखेंगे, BBOS जो है आपका, है ना, BSEB के बारे में पढ़ेंगे, NCERT के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे अभी पॉइंट है, है ना। तो आज हम SCERT तक देख लेते हैं, इसके बाद कल आपकी Part 2 इसका होगा आपका, ठीक है, या फिर आज शाम में भी, रात में भी आज क्लास होगी, ठीक है। तो रात्रि में भी आज 9 बजे से क्लास हो सकती है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद NSCERT, सबसे पहले क्या करना है तो इसको आपको नोट कर लेना है, इसका फुल फॉर्म, है ना, याद रखना है। SCERT का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद इसका फुल फॉर्म होता है। कह रहा है कि परिषद के समान राज्य स्तर पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान परीक्षण परिषद एवं द्वारा कार्य किया जाता है। जी हाँ, ये जो SCERT है, ये राष्ट्रीय स्तर पर जो NCERT है दोस्तों, उसी के तहत ये कार्य करती है। वही तो आपको यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद जो है, इसके समान जो है राज्य स्तर पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद इसको स्थापित किया गया है। कह रहा है कि कई राज्यों में इसे राज्य शिक्षा संस्थान के नाम से भी जाना जाता है ना। बिहार में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो बिहार में इसको जाना जाता है दोस्तों राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, ठीक है। और केंद्र स्तर पर इसको क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, है ना। ये राष्ट्रीय स्तर पर है और राज्य स्तर पर राज्य शिक्षा हो जाएगा, सिर्फ राज्य लग जाएगा आपको, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, और केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ठीक है। बहुत सारे राज्यों में इसको राज्य शिक्षा संस्थान के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि ध्यान रखना है, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु शिक्षा संस्थान की स्थापना विभिन्न राज्यों में वर्ष 1960 में मध्य की गई थी। यानी कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो 1960 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, ये ध्यान रखना है। आगे है कि विद्यालय व्यवस्था को अकादमिक सहायता प्रदान करने हेतु गठित राज्य शिक्षा संस्थान की संख्या जब काफी बढ़ गई तो वर्ष 1970 में इसे राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के रूप में स्थापित किया गया, है ना। इसकी स्थापना तो 1960 में हुई थी, है ना, जब काफी इसकी संख्या बढ़ गई तब इसका नाम दोस्तों कर दिया गया राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। कह रहा है कि प्रारंभ में यह मुख्यतः विद्यालय शिक्षा के सार्वजनिकरण से संबंधित थी, फिर भी विद्यालय शिक्षा के अन्य पक्षों की ओर भी इस संस्था द्वारा अपेक्षित ध्यान दिया गया। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारियों तथा विद्यालय के प्राचार्यों को दिशा निर्देश देती है। जी हाँ, इसका कार्य क्या है? तो जो राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के जो अधिकारी हैं, जिला शिक्षा के जो अधिकारी हैं, खंड शिक्षा के अधिकारी हैं, विद्यालय के जो प्राचार्य हैं, उनको दिशा निर्देश देना। आगे कह रहा है कि इसका मुख्य अधिकारी इसका निर्देशक एवं संयुक्त निदेशक होता है। शिक्षा के क्षेत्र में जिन लक्ष्यों
एवं अनुसंधान कार्यों को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा निश्चित किया जाता है। उन्हें प्रत्येक राज्य अपनी भौगोलिक स्थिति, आवश्यकता तथा प्राप्त संसाधनों के अनुसार अपनाता है। अब देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसका कार्य क्या है ना, SCERT जो है दोस्तों आखिर इसका काम क्या है, क्या काम इसको दिया गया भाई, तो कह रहा है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि राज्य के प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या का निर्माण करना। जी हाँ, यानी कि जो पाठ्यचर्या है ना उसका निर्माण कौन करता है, तो SCERT निर्माण करता है। ठीक है, प्रत्येक विषय याद रखना, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से SCERT का क्या कार्य है ना, और यही पॉइंट आपको दिया हुआ रहेगा, इसी में से एक पॉइंट दे देगा आपको दूसरा। ठीक है, ध्यान रखना है, कह रहा है कि प्रत्येक विषय हेतु शिक्षण सामग्री का निर्माण एवं अध्यापकों की शिक्षा हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना, ये भी कार्य है। नेक्स्ट है कि विशिष्ट समूह जैसे जनजातियों की अधिकता वाले क्षेत्र में अलग से इकाइयों को खोलकर उनके विशेषज्ञों की नियुक्ति करना एवं उनकी शिक्षा व्यवस्था करना। ठीक है, जैसे कोई क्षेत्र में SC ST ज़्यादा अगर वहाँ पर संख्या है तो वहाँ पर दोस्तों अलग से इसके लिए इकाई खोला जाता है। ठीक है, और उसके लिए विशेषज्ञ की नियुक्ति की जाती है ना। कह रहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एवं अन्य केंद्रीय संगठनों से शैक्षिक संबंध स्थापित करना भी इसका कार्य है ना, SCERT का। इसके बाद जो पॉइंट है कि विभिन्न नवाचारों शिक्षण मूल्यांकन की आधुनिक प्रविधियों तथा शिक्षण सहायता सामग्री के विकास का ज्ञान शिक्षकों को प्रशिक्षण द्वारा प्रदान करना। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के बच्चों एवं अल्पसंख्यकों हेतु छात्रवृत्तियां, भत्ते इत्यादि परियोजना बनाना। जी हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। जो अनुसूचित जाति या जनजाति के बच्चे हैं है ना, जो OBC के बच्चे हैं, उनका जो दोस्तों छात्रवृत्ति जो बनता है वो भी SCERT के द्वारा ही। सेवारत विद्यालय निरीक्षकों का उन्मुखीकरण करना, ये भी कार्य है। विद्यालय शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में स्वयं अथवा अन्य संस्थाओं के माध्यम से शोध कार्य करना। नेक्स्ट है कि शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहयोग, विशेषकर शिक्षक प्रशिक्षण मंडल के कार्यक्रमों की संकल्पना और क्रियान्वयन करना। अध्यापकों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना। शिक्षा विभाग द्वारा सौंपे गए कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना। पाठ्यपुस्तकों का पुनर्निरीक्षण एवं सुधार हेतु सुझाव देना। तो ये सारे कार्य आपके SCERT के हैं। और आगे कुछ पॉइंट है, जैसे कि आपको कह रहा है कि प्रतिभावान छात्र हैं उनको प्रतिभावान छात्रों की छात्रवृत्ति अथवा आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु विभिन्न प्रकार की चयन परीक्षाओं का आयोजन करना अथवा इस प्रकार की परीक्षाओं हेतु शिक्षा विभाग को सहयोग देना। आदर्श विद्यालयों के विकास में सहायता देना। विद्यालय स्तर पर विज्ञान शिक्षण हेतु संचालित कार्यक्रमों में मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के रूप में सहयोग करना। पाठ्य पुस्तकों का निर्माण एवं प्रकाशन करना है ना, ये सारे कार्य SCERT के हैं। आगे है कि इन कार्यों के अतिरिक्त समय समय पर केंद्र, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और अन्य शैक्षिक संस्थाओं द्वारा जो कार्य सौंपे जाएं उन्हें पूरा करना। ठीक है, तो बहुत सारे कार्य दिए गए हैं। ये कार्य आप एक बार दो बार इसको जरूर देखिएगा और इसको PDF को पढ़िएगा, सारे धीरे धीरे आपके दिमाग में आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये रहा आज का क्लास, और इसके बाद अभी इसमें बहुत सारा चीज़ है, जैसे कि BEPC के बारे में है ना, इसका उद्देश्य कार्य क्या है। उसके बाद दोस्तों इसमें और भी हमको क्या पढ़ना है, BSEB के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, BSEB के बारे में पढ़ना है, फिर BSSB के बारे में पढ़ना है। ठीक है, बहुत सारे अभी पॉइंट है, BSMEB के बारे में पढ़ना है, मदरसा के बारे में है ना, इसके क्या कार्य और क्षेत्र हैं। ठीक है, उसके बाद BBOSE के बारे में पढ़ना है। ठीक है, बहुत पॉइंट है, अभी NCERT के बारे में भी देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी है ना, यहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर है उन सभी के बारे में दोस्तों यहाँ पर अभी देखेंगे, अभी नहीं कल देखेंगे, 2-3 क्लास में लगभग ये आपका समाप्त होगा। और लास्ट में दोस्तों इसका हम टेस्ट भी लगाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पर आपको हम टेस्ट के रूप में बनाए हैं। ठीक है, तो ये रहा आज की क्लास, आज रात में भी हम कोशिश करेंगे आप सभी के लिए क्लास लेने की,
थोड़ा सा अभी इधर समस्या है ना, इसी प्रकार से अभी आपको वीडियो मिलते रहेगा, आप इसको देखते रहिएगा और पूरी सिलेबस आपका हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अभी 6 यूनिट चल रहा है ना, और समान अध्ययन में आपको ज्योग्राफी आपको पूरा करवा दिया गया था, और हिस्ट्री लगता है बाकी है ना, वो भी देख लिया जाएगा, अगर बाकी होगा तो करवा दिया जाएगा है ना। सभी चीज़ जो भी छूटा हुआ है सब करवा देंगे दोस्तों, आपको टेंशन नहीं लेना है। न्यू बैच आपके स्टार्ट हो रही है 1 अप्रैल से आपका, ठीक है, 1 अप्रैल 2024 से न्यू बैच स्टार्ट होगी। उसमें जो लोग अगर जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइएगा, उसमें आपको 9 बजे से डेली क्लास होती है, DLED और समान अध्ययन दोनों की क्लास होगी। जो पुराने टीचर हैं और जो नए टीचर हैं उनके लिए अलग मात्र इतना कम चार्ज आपको कहीं नहीं मिलेगा है ना, एकदम नॉमिनल चार्ज है। न्यू टीचर के लिए ऑनली अभी 399 चार्ज है कुछ दिन के लिए है ना, ये ऑफर है, जितना जल्दी आप इसमें जुड़ जाइए फिर आपका ये चार्ज बढ़ जाएगा। और जो पुराने शिक्षक अगर न्यू बैच में जुड़ना चाहते हैं तो मात्र उनको 201 पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये नंबर आपको दिया गया है फ़ोनपे गूगल पे, जहाँ से आपको पेमेंट करके कैसे जुड़ना है, तो पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, और यही नंबर हमारा व्हाट्सएप भी है, ठीक है, यही नंबर हमारा क्या है व्हाट्सएप भी है, जहां आपको क्या करना है स्क्रीनशॉट भेज देना है इस नंबर पे, फिर आपको नए ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और उसी में आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा है ना। 1 अप्रैल से न्यू बैच शुरू होगी, जिसको एकदम यूनिट 1 से चलेंगे उसमें, और जो भी आपका समान अध्ययन है सिलेबस वो भी आपको शुरू से करवाया जाएगा। थैंक यू, तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, सॉरी अभी नाइट नहीं हुई है, अभी मॉर्निंग है ना, तो फिर हम मिलते हैं शाम में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय।